मेरी चिप दे घेची हाय हाय मेरी ची मेरी चिप 2004 मा मैं जो सबसे पहले भोजपुरी एल्बम मा मैं काम करी तण चांदू की मेरो मैथ छ उत्तरकाशी मेरो मैथ छ रमोला छोमो बगबटे ने फौजी की मैं वाइफ छ। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर देवभूमि उत्तराखंड ऑफिशियल। तो दोस्तों आज ऐसे शख्सियत के साथ आपको रूबरू कराना चाहेंगे हम जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अंजलि रमोला जी की, जिन्होंने ये उत्तराखंड के संगीत में अपनी अलग पहचान बनाई है। जिन्होंने की कई गाना गाए हैं, कई भाषाओं में गाए हैं, जैसे कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी और यहाँ तक की भोजपुरी भी। उनके कंठ में दोस्तों सरस्वती माता विराजमान रहती है। तो दोस्तों उनसे रूबरू कराएंगे आपको, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए अंजलि रमोला जी आज हमारे साथ हैं। तो अंजलि रमोला जी, हमारे जो चैनल को देखने वाले लाखों लोग हैं वो जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से हैं, आपका मायका कहाँ है, ससुराल कहाँ है, परिवार में और कौन कौन से सदस्य। सबसे पहले मैं अपना उत्तराखंडी वासी तहे सेवा सौ लगाना चाहूँ और मैं आपते बताना चाहती हूँ कि मेरे मैथ छ उत्तरकाशी मेरे मैथ छ रमोला छोमो बगबटे ने और रुद्रप्रयाग मेरे ससुराल छ और मेरा जो हस्बैंड छ पति छ वो फौज माँ छ फौजी छन और एक फौजी की मैं वाइफ छ। और तो गायन क्षेत्र में आपकी रुचि कैसे संबटी आपते लगी, अब मैं ये लाइन में जान चाहूँ, ये पहले गाना कैसे में गाए छा आप। मेरी जो छा गाना में रुचि मेरी बचपन बटिन थी। अच्छा। और जन जो छा हम अपना गाँव में जानते हैं, अब थोलू त्यौहार बार त्यौहार वन छन तो वो माँ में जानते हैं, अपने नानी घर जानते तो अब कई गीत लगा थे लोग। तो मेरी बचपन बटिन ने बहुत शौक थे गीत लगाने का ना, और इन्हीं मैंने अपना वही माँ जो छा मैंने अभ्यास करी और सन 2002 में मैंने शुरुआत करी थी और 2004 में मेरी एल्बम निकली थी भोजपुरी। तो हमारे दर्शक आपको चाण हुआ, हजारों लाखों लोग जो भोजपुरी गाना आपन सबसे पहले गाई वो एक विलेन, आपसे रिक्वेस्ट। जरूर जरूर, मैं वो गीत आपने जरूर सुना लो कि लेकिन वे गीत से मैं आज यहाँ पहुँची। जी जी, तो मैं भोजपुरी में मैंने गीत लगे थे दरोगा जी हो चार दिन से पियवा बन पाता। वाह वाह। दरोगा जी हो चार दिन से पियवा बन पाता, ना जान कहाँ गई ना जान कहाँ गई कुछ ना बुझाता। दरोगा जी हो चार दिन से पियवा बन पाता। तो ये गीत बटीन में अपनी शुरुआत करी मैंने, वहाँ बाद मैंने कई गीत गढ़वाले गीत भी लगाई, कुमाऊँ भी लगाई, जौनसारी भी लगाई है ना, और कई मुद्दों पर भी मैंने गीत लगाई। तो अंजलि जी आपको पर्सनल जीवन से मैं कुछ पूछना चाहूँ, आप नाराज हो यहाँ? बिल्कुल नहीं। ये गायन क्षेत्र में आप स्वामी जी और हमारे बड़े भाई साहब आप तो सपोर्ट कर चाहिए या आप गानों से परेशान रहना चाहिए, बोल सके मत गाओ जी आप? नजी नहीं तो पूरा उत्तराखंड देखना चाहिए। आज जो मैं जो कुछ भी छूँ अपना पति की वजह से छूँ और पहले मेरा माँ बाप मेरा सपोर्ट करते ही, फिर वहाँ बाद जो था जब मैं ससुराल आए तो मेरे ससुराल वालों ने बहुत मैं सपोर्ट करी और मेरे हस्बैंड में तो बहुत सपोर्ट करी और एक गाने में उनमें देखना एक्टिव करी छूँ। आज मैं जो कुछ हूँ उनकी वजह से छूँ। रमोला जी, जन की इतना बिजी समय छ, आप व्यस्त रहो ना, बच्चा भी, बच्चों की स्कूल भी, ट्यूशन भी, घर में खाना पीना भी बनाना छ, तो इतना व्यस्त समय में आप एक गायनी क्षेत्र में ये गाँव तय आप में जो टाइम आंदो ये क्या हिसाब से आप मैनेज करो, ये हमारे मैं भी जान चाहूँ और हमारे दर्शक भी जान चाहूँ। जी जी, देखा परिवार की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए, परिवार की जिम्मेदारी जन बच्चों को पढ़ाना, वो तो स्कूल भेजना, खाना पीना बनाना तई, और आजकल तो लॉकडाउन से लगे मतलब कोरोना काल से जाना सब लोग परेशान हैं, तो बच्चा दिन भर घर में आ, दिन भर बच्चा परेशान भी करता, खाना पीना पढ़े लिखे में सब चीज़ ध्यान देना पड़ दो, पर वहाँ के बाद बच्चों की जिम्मेदारी का बाद जो मैं समय मिल दूँ तो वही समय तो मैं छू माना गवे कहीं अपने गीतों पर ध्यान दे दूँ और रात के टाइम पर ही मैं गीत लगाऊँ मतलब बनाऊँ दूँ जब बच्चा खे जाना, लेकिन दिन भर बच्चा परेशान करता बच्चों तक नहीं पढ़ता, रात को टाइम जिसका आपको स्पेशल निकाल दो और तब मैं गीत बनाऊँ दूँ अपना उत्तराखंड पर खाते, लेकिन उत्तराखंड से बहुत प्यार थे, ये माटी से हमसे बहुत प्यार थे और हम बहुत भाग्यशाली छन और मैं आपसे बताऊँ बहुत भाग्यशाली छूँ जो मैं उत्तराखंड में जन्म ली और ई धरती का खातिर ई माटी खातिर अगर हमसे कुछ होंगे तो मैं जरूर कर लूँ
और अब उत्तराखंड हमारे दिल में उत्तराखंड का खातिर जो प्यार वही करूँगी वही के खातिर जो चाह अपन टाइम निकालना पड़ भाई अब उत्तराखंड का खातिर टाइम निकालना पड़े अपन जो समय रन मेरे छू पर जो लगा है या मतलब आराम करो टाइम हो तो वही टाइम टाइम जो चाह मैं अपना उत्तराखंड बहुत बहुत आप कई भी चैनल माँ कई भी पत्रकार दगड़ जो भी वार्तालाप करदा बड़ी बेझिझक से करदा खुला दिल से करदा तो ये एनर्जी आप कख बटे ये एनर्जी मेरे परिवार बटे नोंदी कि लेकिन जब परिवार को सपोर्ट हो तब इंसान अगले बढ़ सकते ना और क्यों क्यों झिझकू मैं कुछ गलत काम तो कर नहीं रही हूँ अच्छा काम कर रही हूँ अपने उत्तराखंड की संस्कृति के लिए सॉरी मैं थोड़ा हिंदी में बोल रही हूँ तो मैं अपने उत्तराखंड का खातिर जो चाह मैं काम करना चाहूँ और अपने अच्छा काम करना चाहूँ तो मैं क्यों डरूँ बोलने में अगर कोई मेरे से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो बेझिझक जवाब देती हूँ पर सवाल अगर सही होगा तो जवाब भी सही मिलेगा है ना जिस टाइप का सवाल मिलेगा उस टाइप का होगा जवाब मिलेगा बेझिझक मिलेगा है ना। रमोला जी पृथ्वी पर अगर कोई देवता था तो हमारा ब्राह्मण देवता था हमारे पुराण बुजुर्ग लोग सब ब्राह्मण होते और फिर देवता मान लो तो आप ब्राह्मण समाज पर आपन गाना गाई गीत गाई वो एक बहुत प्रशंसा हुई और पंडित समाजन आपते पुरस्कृत भी कहे जी तो वो विचार कख बिटी आए कि एक ब्राह्मण समाज बार मा आपन गीत लिखी जी जी वो एक जरूर आपने जवाब दे लू कि ले क्या आप लोग मेरे और भी गीत सुनने वाला धारा 370 से लेकर पुलवामा फौजी फंसी पाकिस्तान कई गीत छन मेरे जो मुद्दों पर लगाया छन और बलात्कार जन गीत मेरे लगाया छन माँ बहनों समान जब हमारे माँ बहनों को जो लोग जो था करता शोषण करता तो ऊपर मेरे गीत लगाए छे तब मैंने किले की ब्राह्मण समाज पर भी कई गीत आना छन और ब्राह्मण समाज उनसे बहुत नाराज थी पहले भी कई गीत है तो मैंने भी सोची कि मैं किले ने कि मैं ब्राह्मण समाज पर भी एक गीत बनाऊँ किले की ब्राह्मण जो था हमारा जो था जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा साथ दिया था तो मैंने ऊपर जो था दो गीत बनाए एक गीत में लगे लगे वहाँ बाद फिर मैं तय ब्राह्मण समाज की डिमांड है कि एक गीत और बनाया जाए और वो गीत का खातिर मैं तय सम्मानित भी करी और ब्राह्मण समाज पर मेरे दो गीत आया छन पंडित जी तुम छन भगवान समान और ब्रह्म देव ब्राह्मण देव होंदा एक समान जन की दोस्तों आप जान रहे कि आजकल श्राद्ध चलना चाह श्राद्ध पक्त चलना चाह तो दर्शक जो पंडित जी पर जो ब्राह्मण समाज पर आपन गीत गाई वो एक दुई शब्द कृपा कर सुने दिया आप बिल्कुल सही पहले गीत मेरे आई थे पंडित जी तुम छन भगवान समान कै शब्द मा करूं तुम्हारो बखान कै शब्द मा करूं तुम्हारो बखान पंडित जी तुम छन भगवान समान पंडित जी तुम छन भगवान समान फिर मांग बाजू चा मेरे को गीत है ब्रह्मदेव ब्राह्मण देव होंदा एक समान ब्रह्मदेव ब्राह्मण देव होंदा एक समान सेवा सत्कार करायो को सम्मान देला तुम ते आस सुवरदान सेवा सत्कार करायो को सम्मान सेवा सत्कार करायो को सम्मान रमोला जी जो आजकल नए नए लड़का कलाकार गायक गायिका आना चन वो दूसरों गाना में बोल चुरे थे मैं सब में गाना चन उन बार में क्या विचार था आप वो बार मेरे विचार थे कि मैं सब गावा अच्छी बात है कि लेकिन जब जो गीत लगाना चाहे वो मतलब उनके गीत इतने अच्छे हैं तो तभी तो गा रहे हैं ना अच्छी बात है लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि अपनी भी रचनाएं गाएं अपने आप लिखो जैसे भी तुम्हें आता है अपनी पहचान खुद बनाओ बस ये तो मेरी ये संदेश है कि अपनी जो पहचान है खुद बनाओ अपनी कलम से जो भी शब्द निकल रहा वो तो आगे बढ़ाओ ठीक है मैं सब गाओ कोई बात नहीं लेकिन अपनी कला को भी आगे बढ़ाओ बस यही मेरा तो अंजलि जी जो दिल्ली बिटी केंद्र सरकार जो भी घोषणा जो भी योजना लाउंदी आप तुरंत अफर मधुर शब्दों में वे विरोध ना जन की धारा 370 और जो भी घोषणा तो आप और जन जो गायक छन वो सूचित रह जानन कि हमन भी कुछ ये मुद्दा पर गीत लिखना चाहिए लेकिन उन सूचन से पहले आप वो गीत रिलीज हो जान इतना एनर्जी क्या राज कुदरत की देन परमात्मा को साथ से मैं दगड़ा और खुद की मेरी जो छा अपनी पहचान बनाए छे अपना लिखा गीत गा दूँ और जन केंद्र सरकार बेटे आदेश आऊँ तो मैं वह आदेश तय गीतों द्वारा पूरा उत्तराखंड में फैला दी दूँ जन की भू कानून धारा 370 राम मंदिर और एक और गीत मोदी जी जन मैंने चिताई कि मोदी जितना मैंने ऊपर गीत बनाए देनी मोदी जी भू कानून
जब लेटेस्ट जो चाह भूकान का खातिर उत्तराखंड वाला जो चाह सोचना अच्छी न कि हम जो चाह भूकान ले उत्तराखंड में, तो सोचने से पहले मैंने पहले गीत ले देने फौजी फंसी हमारे पाकिस्तान जी जी, तो वो एक बार में भी कुछ द्वि लाइन आप जरूर सुनो ला ये उम्मीद कर दन आप चाण वाला। बिल्कुल बिल्कुल, फौजी फंसी पाकिस्तान किले की 11 गढ़वाल रेफर मा थी भाई जी, और 11 गढ़वाल का बच्चे मैंने स्कूल में पढ़े। अच्छा, किले में टीचर भी थे, मतलब आप मैंने छोड़े नहीं, लेकिन दूर का खातिर थोड़ा दूर आना, तो मैं एक अध्यापिक कभी रही तो यहाँ आर्मी स्कूल में। अच्छा, तो 11 गढ़वाल का बच्चे मैंने खुद पढ़े। अच्छा, मैंने ये घटना सुनी कि इन्हें मान लगी हूँ, मतलब भाई जी चला पता नहीं आचे पर मैंने गीत बनाई दी फौजी फंसी पाकिस्तान। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ जरूर जरूर जरूर। गढ़ भूमि को गढ़ जवान, गढ़ भूमि को गढ़ जवान, फस्यू चारे पाकिस्तान, खोज खबर करावे की भी ल्यावावे ते जिंदा हिंदुस्तान, ल्यावावे ते जिंदा हिंदुस्तान। छुट्टा छुट्टा नौ न्याल जेका अरे घर माँ छिन रोना, वे बाबू की आँखों से आंसू छिन चूना, घर वाले की हालत देखा गुजर कबर कोई दे ली जान, ल्यावावे ते जिंदा हिंदुस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अंजलि जी, जो आपको एक गाना आजकल पूरा उत्तराखंड में चर्चा में छा आजकल, हाय मिर्ची, ये हाय मिर्ची गाना आपने लिखी तो क्या सोची लिखी? मिर्ची खांदा आप लाल लाल बड़ी खतरनाक तिखी। तो लाल मिर्च जो था आजकल ये गीत मैंने के मतलब के लिए बनाई, किले की जो था मैंने हमेशा जो था मुद्दा पर गीत बनाई, बेरोजगारी जन गीत मैंने बनाई और कई मुद्दों पर गीत बने, चमोली आपदा ब्राह्मणों पर आजकल के जो पीढ़ी छन वो तो जो छा बिल्कुल मसालेदार गाना चढ़ा चटपटा डीजे सॉन्ग, जब पर कमर हिला थिरके जा वो के शब्द जन बो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डीजे सॉन्ग अगर आएगी तो तय वहाँ जो छा कमर थिक 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 नाच दी। तो मैंने भी कुछ नया सोची और मैंने जब उतरना है मैदान में तो ढंग से उतरो, तो फुल उसको फुल डीजे सॉन्ग है, वो रैप सॉन्ग है और मैंने जो उसमें खुद रैप गाया है, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल अच्छा। बाइक में बैठ के चश्मा लगा के जींस पहन के निर्भीक हुए थे, बिल्कुल निडर होके मिर्च मसाला डाल के, और मैं गाने का नाम भी वही रखा मैं हाई मिर्ची। बहुत बढ़िया, लेकिन यू गाना इतना चर्चा में था कि हमारे दर्शक इंतजार करने आप दो चार लाइन जरूर सुना ले। बिल्कुल बिल्कुल, हाय हाय मिर्ची मेरी चिपली घिची, हाय हाय मिर्ची मेरी चिपली घिची, मेरे छुए में जड़ी कति लोग फंसी, मेरी छुई में झड़ी कति लोग फंसी, जब लांदो मैं छुई मीठी 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 मीठी, हाय मिर्ची मेरी चिपली घिची, लाल मिर्च जनी मैं तेज तरार, लाल मिर्च खा रखे आपने, लाल मिर्च जनी मैं तेज तरार, अरे द्वी छुई लगे कि वे जान दो फरार, लगे कि वे जान दो फरार, वे जान दो फरार, अरे जो ले जान दो मैं सबको, हाय लुची 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 लुची, हाय मिर्ची मेरी चिपली घिची। तो रमोला जी गाना बहुत बढ़िया, उम्मीद करता कि बहुत ज्यादा लोग ये सुन उत्तराखंड में ये गाना फेमस हो, लेकिन आजकल जो लोग अंड संड गाना लगोने छा जिनकी बुआरी टट्टी को डब्बा अंड संड गाना, तो उन लोगों थे क्या आप सुझाव देने चल? उते मेरे यही सुझाव छ कि गीत बनाओ डीजे सॉन्ग फाड़ू सॉन्ग बनाओ, लेकिन शब्दों को ध्यान रखे रखे खींचे दो कि लेके हमारा उत्तराखंड में बुजुर्ग लोग छन, हमारा छोटा छोटा नन्ना जो माँ बहनी भी छन और हमारे जो आने वाली पीढ़ी उते भी हमने कुछ शिक्षा देनी, तब मसालेदार गीत बनाओ लेकिन शब्दों को ध्यान रखो, है ना, कि लेके हमारा उत्तराखंड में कई मतलब मुद्दा छन जो पर हम गीत बनाए, डाली बूटी है ना, पहाड़ छन, कई चीज छन, मिर्च मसाला छन, उन पर हम गीत बनाए सकते, लेकिन गीत बनाओ मसालेदार बनाओ अच्छा गीत बनाओ, लेकिन शब्दों का ध्यान रखो, मतलब ऐसा शब्द नहीं होना चाहिए जिससे मतलब दूसरे इंसान को बुरा लगे, और हमारे उत्तराखंड की संस्कृति मतलब खराब हो, है ना, मतलब गीत बना मर्यादा में रख के बनाए। आपको गायन के साथ साथ और क्या क्या चीज में रुचि, आपको क्या क्या हॉबी छ, सब लोग जान चाहना।
मतलब गीत का साथ साथ जो छा गीत का साथ के लिए की गाना का साथ साथ गीत भी लिख दो अच्छा। और गीत लिखने का साथ साथ जो छा मैं तई जन ड्राइंग वेगी अच्छा आर्ट एंड क्राफ्ट जो हूं स्कूल स्कूल में बच्चों को सिखाऊंगा मैं पहले भी टीचर रही हूं स्कूल में अच्छा बच्चों का आर्ट एंड क्राफ्ट हो इसीलिए इकड़े बड़े अच्छा बहुत सारी चीज में सब में परफेक्ट है आप बनाओ ना कुछ चीज ना जन मतलब कई मार्केट में जो चीज है मतलब आप बनाओ अच्छा अच्छा मैं खुद सीख दूं तई और सीखने की कोशिश कर दूं ताकि मैं अपना घर पे मतलब बहुत बढ़िया और बहुत देर बिटी आपका चैनल वाला हमारे चैनल पर हजारों लोग आपको मधुर आवाज में जो आपदा पर गीत लिख चापन वो एक चाल ले जी जी किले की उत्तराखंड में बहुत आपदा है तो मीन उत्तराखंड आपदा पर मेरे गीत बनाए छो चमोली आपदा ये विधाता किले तू रुकीगे मेरू पहाड़ पानी में डूबेगे ये विधाता किले तू रुकीगे मेरू पहाड़ पानी में डूबेगे यूं आँखों ते फिर सी रुवेगे धौली गंगा मा मन क्यों बगेगे आवा दीदी भूलूं सभी कसम खाला ये माँ जो छा मैंने संदेश देनी ये गीत माँ बहुत बढ़िया लास्ट में गीत आप यूट्यूब माँ सुनिया पर ये गीत में जो लास्ट में मेरे संदेश देने छे किले की आपदा जो होने छे क्या खतरा होने छे जब हम डाल बूटी छन कटियां लगी तो मेरे संदेश देने छे बहुत खूब आवा दीदी भूलूं सभी कसम खाला एक एक डाली लगे एक धरती बचाला आवा भेजी भूलो सभी कसम खाला एक एक डाली लगे एक धरती बचाला ये सैलाब नित धरती हिलेगे मेरु पहाड़ पानी में डूबेगे ये सैलाब नित धरती हिलेगे मेरु पहाड़ पानी में डूबेगे यूं आँखों ते फिर से रोएगे धौली गंगा मा मन क्यों डूबेगे बहुत सुंदर बोला जी जन की सुनमाओं की आपको बहुत सारा गाना आने वाले नया नया तू कई चैनल पे गाना था आप और कुछ गाना आने चाहिए अब नौ तो बता ही सकते कि कुछ गाना आने चाहिए क्योंकि उनका नाम भी सिलेक्ट नहीं है जी जी तो एनआर फिल्म से आ रहा है तुम नाम प्रोडक्शन बनाना चाहिए और एक मेरे फिर से मेरे बीके संगीत बटन आना चाहिए बटन मेरे चित्र के गीत आए थे बीके संगीत हाँ और एक जुमेला चैनल चो बटन आना चाहिए और कई चैनल थे और एक दून चैनल थे दून राजीव भाई का है दून स्टूडियो वालों का अच्छा। वहाँ से मेरे आना चाहिए रमता जोगी रमता और कई गीत आने वाले थे कुछ मैंने नया लगाया अभी और फिर मेरा अपने चैनल भी थे अब वही चैनल बटन मेरे गीत आने वाले थे और बहुत जल्दी मैं उत्तराखंड का खाते नए नए गीत ले लूँ बस आप लोगों को इतनी प्यार प्रेम बड़े रेंज से चलूँ आपको साथ चलूँ और आपके चैनल बटन मेरे गीत आने वाले थे आप तो फिर पता नहीं थे और बहुत जल्दी जल्दी अच्छे से गीत आला बस इन्हीं प्यार प्रेम बड़े रेंज चलो राम राज को सुनना चैनल कई गीत सुनना चाहिए तो दोस्तों नए नए गीत आने वाले थे रमोला जी आप इंतजार करा आप तो वो गीत खूब पसंद आला ये मैं उम्मीद कर दूँ आपको बहुत बहुत धन्यवाद तो दर्शकों अंजलि रमोला जी आप भी यूं गाना हाई मिर्ची जरूर सुनियान और हमारा चैनल देवभूमि उत्तराखंड को जरूर लाइक करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार और इनके चैनल पे आप जरूर लाइक सब्सक्राइब करें किले की आज जो बर्फ हमारी यख अरे बर्फ माप जो छा ये लोग जो छा आप उत्तराखंड का खातिर काम करना चाहन उत्तराखंड में अच्छी चीज़ लोना चन अच्छे से गीत का लोनो अब ये चैनल बटन और आज मेरे इंटरव्यू ये चैनल बटन है ये इंटरव्यू आप जरूर सुनिया जो जो बात आपने अच्छी लगली उतने ग्रहण करा जो जो खराब लगे तो बिल्कुल क्या दिया जन सुप होंगे ना सुप में हम फटक तो भूस भैर फेंक देना और जो चावल या दाल जो भी होता उसको
पटते हैं, तो यही हमने सोचना है, अच्छी सी चीज को ग्रहण करना है और जो बेकार चीज उनको त्यागना है। ठीक है, धन्यवाद। आपन टाइम निकाली और समय दिन हमते आप बहुत बहुत आभार, शुक्रिया अंजलि रमोला जी।